सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का कहानी पूरा। बच्चों, उसकी एक कहानी हमने जो पहले से पढ़ी हुई थी, उस कहानी को हमने रिक्त स्थानों में बना करके और उसे पूरा किया था। तो बच्चों, कहानी थी एक कुत्ते की, जिसमें कुत्ते का नाम था मोती। वह कुत्ता एक दिन भोजन ढूंढ रहा था, भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। इधर उधर घूमते हुए उसे एक हड्डी मिली। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हड्डी कुत्तों को बहुत प्रिय होता है, उसने उस हड्डी को अपने मुंह में दबा लिया और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसको नदी मिली और नदी के ऊपर बने पुल को पार करके उसे अपने घर जाना था। तो जब वो नदी पार कर रहा था, पुल पर से उसने पानी में झाँका। जब उसने पानी में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं परछाई में हमें अपने खुद का चेहरा दिखाई देता है, तो उसे भी उस अपना खुद का चेहरा दिखाई दिया। लेकिन उसने समझा कि पानी में शायद दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है, और वह देखकर उसके मन में लालच आया और वो उसने सोचा क्यों ना पानी में छलांग लगाकर उस कुत्ते की हड्डी भी मैं ले लूं। तो जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाया, उसके मुंह की हड्डी भी पानी में गिरकर बह गई। तो बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो मुख्य मेन शब्द थे, उन्हें हमने रिक्त स्थान के जरिए भरा पूरा किया, कहानी को पूरा किया, और यह हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, हमारा पाठ 14। बच्चों, यह पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 6 ऋतु होती हैं। अभी कौन सा ऋतु है बच्चों, आप बता सकते हैं? अभी इस समय कौन सा ऋतु चल रहा है? ऋतु मतलब मौसम। अभी कौन सा मौसम है? यह है वर्षा ऋतु। इसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु। बच्चों, हमारे देश में 6 ऋतु होती हैं। पहला ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद और बसंत ऋतु। तो बच्चों, यह 6 ऋतुएं हमारे देश में होती हैं। तो बच्चों, आज हम ऋतुओं के बारे में क्यों पढ़ने जा बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो हमारा अगली कविता है वह ऋतुओं पर है। तो बच्चों, इस कविता में हम बसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हो, बसंत ऋतु जो होती है वह अपने आप में एक बहुत ही सुंदर मौसम है, या बसंत का मौसम जो है बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए हम इसे ऋतुराज भी कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा। जो 6 ऋतु हमारे देश में होते हैं, उनमें से एक है बसंत ऋतु, और इसे हम ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। तो बच्चों, क्यों हम इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं? क्योंकि बच्चों, इस मौसम में जो माहौल होता है, मतलब इस मौसम में यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है, क्योंकि इस समय ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है। और इसके अलावा बच्चों, यह जो मौसम होता है, इस समय फसल तैयार होता है और जो किसान होते हैं अपने फसल को काटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो बच्चों, और यह जो समय होता है, इसमें बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। और बच्चों, हरियाली के अलावा इस मौसम में हमें तरह तरह के फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि कि फूल का पेड़ हो या किसी फसल का पेड़ हो, जैसे कि इस समय सरसों का मौसम होता है, आप जानते हैं सरसों का पेड़ हरे रंग का होता है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल खिलते हैं। सरसों का पेड़ देखा है आपने? अगर कभी आप गाँव गए होंगे वसंत ऋतु के समय में, तो आपने देखा होगा पूरे खेत में हरे भरे पेड़ में, हरे भरे खेत में ऊपर से पीले फूल अगर लगे हों तो वो जो वहाँ का नज़ारा कितना सुंदर होगा। तो बच्चों, वसंत ऋतु में चारों तरफ हमारे रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, इससे जो नज़ारा होता है बहुत ही सुंदर होता है, और मौसम तो अच्छा होता ही है। इसके अलावा बच्चों, बसंत ऋतु जो होता है, इसमें हम बसंत पंचमी मनाते हैं। बसंत पंचमी का मतलब होता है कि इस दिन हम
सरस्वती जी की पूजा करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं सरस्वती जी क्या होती है, सरस्वती जी शिक्षा से संबंधित या फिर क्या कहते हैं आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित देवी होती हैं और इन्हें हम विद्या की देवी कहते हैं। तो बच्चों जो इसीलिए हम विद्या की देवी की इस समय पूजा करते हैं और उस दिन को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन स्कूलों में भी पूजा होती है, इस दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो बसंत ऋतु उस दिन आप उस समय वो जो माहौल उस समय का होता है, हमारे चारों तरफ का वातावरण होता है बहुत ही खुशनुमा होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं और फसल कटने का समय होने की वजह से भी लोग बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों यह मौसम, अब इतना कुछ हाँ मैंने आपको इस मौसम के बारे में बताया तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि क्यों इसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं या ऋतु राज कहते हैं। यह क्योंकि ये सब ऋतुओं में सबसे सुहानता होता है या मौसम भी इसका बहुत सुंदर होता है, इसमें बहुत से त्यौहार भी मनाए जाते हैं और किसान भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके खेतों में हरे हरे लहलाते हुए इस समय पेड़ होते हैं और उसके कुछ ही समय बाद फिर कटाई शुरू होती है। तो बच्चों यह था बसंत ऋतु। और फिर जैसा कि मैंने बोला अभी कौन सा मौसम है, अभी वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु, अच्छा आप लोगों को कौन सा ऋतु पसंद है बच्चों? किसी को ठंड पसंद होगा, किसी को वसंत ऋतु पसंद होगा। तो यहाँ पे जो हम बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, आप कभी गौर कीजिएगा वह मौसम भी आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन वह मौसम भी आपको बहुत सुहावना लगता होगा। अब आप जान गए बसंत ऋतु क्या होता है और यह कब होता है, तो आप थोड़ा गौर, जब ये मौसम आएगा तो आप थोड़ा गौर करिएगा कि उस समय क्या क्या होता है और किस तरह का माहौल होता है। और कभी अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे, अगर जहाँ पे खेत है वहाँ पे आपको देख के और भी सुंदर लगेगा। फिर हमारे देश में हम 6 ऋतुओं मनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और बच्चों इस ऋतु में हमें सिर्फ फूल और पेड़ ही नहीं दिखाई देते बल्कि जैसा कि हम जानते हैं कि तितलियां हैं और भौरे हैं और उसके बाद बच्चों मधुमक्खियां हैं, जो ये सारे आपको कीड़े मकोड़े आपको चारों तरफ दिखाई देंगे और फूलों के आसपास घूमते फिरते दिखाई देंगे क्योंकि तितली भी फूलों के ऊपर घूमती फिरती रहती है, भौरे भी मंडराते रहते हैं और मधुमक्खियाँ भी, क्योंकि वह शहद फूलों का जूस पीती रस पीती हैं और फिर उसे शहद बनाती हैं, तो वो भी आपको चारों तरफ घूमती फिरती नजर आ जाएंगी। तो इसीलिए देख करके बहुत, और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं इसलिए देख करके बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हम भौरे भी देख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि भौरे भी फूलों पे मंडराते रहते हैं। बच्चों इसके अलावा भी ये जो मौसम होता है इसमें आम के पेड़ों में बौर, बौर मतलब जानते हो फूल निकलने शुरू होते हैं। फिर इसी के बाद हमें जहाँ कहीं भी आम का पेड़ होगा आप देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आपको दिखाई देते हैं, तो इस मौसम को हम कहते हैं बौर निकलने का भी मौसम होता है। तो इसीलिए बच्चों, और हम आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि आम के पेड़ों पर कोयल भी इस मौसम में आपको दिखाई देगी, जो जैसा कि हम कहते हैं कोयल की आवाज़ बहुत सुरीली होती है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, मतलब गाना क्या गाती है, जब वो अपनी आवाज़ स्वर अपना निकालती है तो हमें ऐसा लगता है कि गाना गा रही है। तो इस समय आपको कोयल की भी को सुनाई देगा, इसलिए ये पूरा जो माहौल होता है बहुत ही खुशनुमा होता है, बहुत सुंदर होता है, नज़ारे भी अच्छे होते हैं और पीले पीले, आप खुद ही सोचिए कि सरसों के खेत पे पीले पीले फूल, हरे हरे पेड़ पे पीले पीले फूल कितना अच्छा दिखाई देता होगा। और जो बसंत पंचमी होता है बच्चों उस दिन हम लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और इसलिए, और स्कूल में भी हम अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी पूजा वूजा, अगर जहाँ पे भी जिस किसी भी स्कूल में पूजा होती है, अधिकतर स्कूलों में पूजा होती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सरस्वती जी विद्या की देवी होती हैं, इसलिए बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहने जाते हैं। तो स्कूलों में भी पीले वस्त्र पहन करके लोग जाते हैं, वहाँ पे भी पूजा होती है क्योंकि स्कूल तो
विद्या से भी संबंधित है, तो वहां पे भी पूजा होना चाहिए। तो अभी तक मैं आपको ये सारी बातें बच्चों क्यों कह रही थी, क्योंकि जब हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14, वह एक कविता है, पाठ 14 वह एक कविता है और उसका नाम है बसंत ऋतु। तो बच्चों इसीलिए हम आज आपके सामने बसंत ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी अगली कविता में बसंत ऋतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों फूल फूल पर, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे आपको इस मौसम में फूल दिखाई देंगे और हर रंग के फूल दिखाई देंगे, चाहे वो फूल का पेड़ हो चाहे वो और किसी भी चीज का पेड़ हो, सब पे आपको रंग बिरंगे फूल नजर आ जाएंगे। तो चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। तो बच्चों ये बहुत ही छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता को पढ़ करके हमें पूरा बसंत ऋतु हमारे बसंत ऋतु का हमारे सामने एक चित्रण हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं कि हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर बेल भी लगी हुई है और ऊपर से कोयल गाना गा रही है। यहाँ पे हम कोयल को गाना गाते हुए देख रहे हैं और उसके बाद बच्चे भी खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे फूल तितलियाँ भौरे और आपका कि मधुमक्खी सब आसपास घूम रहे हैं फिर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही सुंदर है। तितलियों को फूल दिख रहा है उनको, क्योंकि वो भी रस पीती हैं फूल का, तो वो भी बहुत खुश हैं। और जो हवा है बच्चों उसमें भी एक महक है। महक किस चीज़ की है? जब वातावरण में इतने फूल होंगे तो उनकी हवा में भी हमें महक आनी ही आनी है। तो यहाँ पे हवा जो है वो भी खुशबूदार है और इठला रहा है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों इस कहानी को सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है, इसके रचयिता या कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। और जैसा कि मैंने कहा ये पूरी कविता बसंत ऋतु के बारे में है, जिसमें बसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। अब फूल फूल पर मतलब चारों तरफ फूल हैं और झूल झूल कर भंवरे, बच्चों भंवरे यहाँ पे लिखा है, भंवरे भंवरे अर्थ आप भंवरे सुने होंगे, यहाँ पे कविता की भाषा में लिखा हुआ है, वैसे हम भंवरे इस तरह से लिखते हैं, भ रे चंद्रबिंदु व रे भंवरे। तो भंवरे भी फूलों के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाल डाल, बच्चों एक डाल से दूसरी डाल, पहले दो पंक्तियों में हमने देखा फूल फूल पर झूल झूल कर भंवरे गाते हैं गाना। जैसा कि हम जानते हैं जहाँ कहीं भी फूल होता है भंवरे उसके आसपास मंडराते रहते हैं और एक तरह का वह आवाज निकालते हैं, तो इसे देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो गाना गा रहे हैं। तो फूल फूल पर हर एक फूल पर जितने भी उधर फूल दिखाई दे रहे हैं आसपास उनके ऊपर, कभी एक फूल पर जा रहा है तो कभी दूसरे फूल पर जाते हैं और ऐसे प्रतीत होता है कि वो झूला झूल रहे हैं। बच्चों जब आप एक फूल से दूसरे फूल पर उछल करके जाओगे तो वो ऐसा लगेगा कि आप झूला झूल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन झूला झूल रहा है? भंवरे झूला झूल रहे हैं। और भंवरे जब उड़ते हैं तो एक तरह का आवाज स्वर निकालते हैं और वह स्वर ऐसा लग रहा है जैसे वह गुनगुना रहे हैं। क्यों गुनगुना रहे हैं? क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं, माहौल इतना अच्छा है, उनको फूल पसंद है, उन्हें फूल बहुत सारे फूल देखने को मिल रहे हैं और उन फूलों के ऊपर मंडरा कर वह बहुत खुश हैं। तो इस पूरे माहौल को देख करके चारों तरफ खुशहाली है और यहाँ तक कि हवाएं भी खुशबूदार हैं, तो ये भंवरे भी मस्त हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर उछल करके झूला झूल रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भंवरे हैं वह बहुत ही खुश और मस्त नजर आ रहे हैं। उसके बाद बच्चों दूसरी पंक्ति में हमारे पास है डाल डाल पर
पार्ट पार्ट पर कोयल का स्वर मस्ताना। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं इस मौसम में आम के पेड़ों पे बौर आ जाती है। बौर आने आने का मतलब है कि कोयल भी पेड़ों पर आने शुरू हो जाती है। और बच्चों उस जब आम के पेड़ों पर बौर आती है तो यह कोयल क्या करती है, एक डाल से दूसरी डाल पर आती जाती है और डाल ही नहीं एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर उछल कूद करती रहती है क्योंकि वो भी बहुत खुश होती है। और कोयल का स्वर मस्ताना और मस्ती के गीत गा रही होती है। तो बच्चों यहाँ पे हर एक जीव जंतु जो भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है वह सब इस मौसम का आनंद ले रहे हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कितने मस्त हैं और खुश हैं क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद है वह सारी चीज़ें उनको यहाँ पर दिखाई मिल रही है। इसलिए सब बहुत खुश हैं और सब बहुत आनंद में इधर से उधर घूम रहे हैं या चल फिर रहे हैं। उसके बाद यहाँ डाल डाल पर मतलब यहाँ डाल का मतलब है पेड़ों की डाली, ठीक है। यहाँ डाल का मतलब है एक डाली से दूसरी डाली, पेड़ों की डाली टहनियाँ, पेड़ों की बच्चों टहनियाँ, पेड़ों की टहनियों को हम डाली कहते हैं। और सिर्फ डाली पर ही नहीं, यह तो पात पात यानी एक पत्ते से पत्ते, एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर पात पात जो पेड़ हैं आम के पेड़, ज़्यादातर वह आम के पेड़ों में जब बौर आती है तभी कोयल उन पर ज़्यादा दिखाई देती है और सुरीली सुरीले स्वर में गाना गाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक डाल से दूसरे डाल पर और एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर ये खूब मस्ती से आ जा रही है और बहुत खुश है। ये सब कुछ दिखा रहा है कि वो कितने खुश हैं और कोयल मस्ती भरा गाना गा रहे हैं। स्वर मस्ताना उनका जो स्वर है जो जिसमें वो गाना गाती है, जो स्वर निकालती है वो बहुत ही मस्ताना है। मस्ताना कब होता है कोई चीज़, जब लोग मदमस्त हो जाते हैं, मतलब इस माहौल में इस मौसम में वह कोयल भी एकदम मदमस्त हो गई है, मतलब मस्ती में आ गई है। मस्ताना यानी मस्ती मस्ती, तो कोयल भी मस्ती में आ गई है और मौज कर रही है। बच्चों जब हम बहुत खुश होते हैं तो इधर उधर उछल कूद नहीं करते, उसी तरह से यह कोयल भी काफी खुश है और इधर उधर उधर होकर मस्ती में मौज में एक डाल से दूसरी डाल पर और एक पत्ते से दूसरी, मतलब हर एक पत्तों पर उछल कूद कर रही है और अपनी खुशी जाहिर कर रही है। फिर उसके बाद बच्चों अगली पंक्ति है, महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ उछलाती है। बच्चों महक महक कर मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इतने फूल है चारों तरफ, तो फूलों की तो खुशबू होती है, फूलों का मतलब ही है खुशबू, तो जो फूलों की खुशबू है वो हवा में भी है, ठीक है। चारों तरफ जो हवा हमारे आसपास है उसमें वह खुशबू है, किसकी खुशबू है, फूलों की। महक महक कर चहक चहक कर और उस खुशबू की वजह से जो हवा है वह भी बहुत मस्त है और बहुत ही खुश है हवा। और जब बच्चों हमारे अंदर उस महक की वजह से वह हवा क्या कर रही है, वो इठला रही है। इठलाना मतलब जब हमको कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है जिसमें हमें घमंड हो जाता है, तो इस समय हवा भी बहुत खुशनुमा है और हवा में सुगंध है, किसकी सुगंध है, फूलों की सुगंध है, बहुत सारे फूल हैं, सारे फूलों की सुगंध भी हवा में मिल गई है, तो हवा का भी इस समय चार बदला हुआ सा है, उसके में भी एक तरह का घमंड आ गया है कि वह बहुत खुशबूदार हो गई है। किसकी वजह से खुशबूदार हुई है, तो हवा भी में भी घमंड आ गया है क्योंकि वह बहुत खुशबूदार हो गई है। और पंक्तियों से बच्चों हमें पता चल रहा है महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तो हवा भी इठला रही है। तो बच्चों महक का मतलब होता है खुशबू, महक का मतलब हो गया हमारा महक का अर्थ है खुशबू, महक का अर्थ है खुशबू। और इठलाती नखरे करती मतलब वह भी सबको अपने नखरे दिखा रही है,
क्योंकि उसको भी घमंड हो गया है क्योंकि वो भी खुशबूदार हो गई है। किसकी वजह से खुशबूदार हुई है? फूलों की वजह से। तो उसके अंदर जो खुशबू आ गई उसकी वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा घमंड आ गया है और वह नखरे दिखा रही है, इठला रही है। तो इठलाकी का मतलब बच्चों हो गया यहाँ पे, यहाँ पे ई लाती, इठलाती यानी नखरे दिखाती, नखरे नखरे दिखाते हैं। तो हमारे पास इठलाती नखरे दिखाती, नखरे दिखाती, इठलाती यानी नखरे दिखाती। उसके बाद है अगला हमारे पास शब्द है तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, इस मौसम में जो यह मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। इस मौसम में सब कुछ बहुत अच्छा सा होता है, हमारा वातावरण बहुत अच्छा होता है, बाहर का माहौल बहुत अच्छा होता है, तो हमारा तन मन भी बहुत खुश होता है। जब हमारे तन मन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे हमें अच्छा लग रहा है तो हमें अंदर से खुशी महसूस होता है, इसलिए हम इस मौसम को कहते हैं खुशनुमा मौसम। तो जैसा कि तन खुश होता मन खुश होता, क्योंकि चारों तरफ अच्छा माहौल है, चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, तो हमारे तन मन को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मौसम में ना सिर्फ माहौल या हमारा वातावरण खुशनुमा होता है, बल्कि वातावरण खुशनुमा होने की वजह से हमारे तन मन को भी खुशी महसूस होती है, क्योंकि ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होता है, और हम जब चारों तरफ देखते हैं तो भी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम तन मन से इस मौसम को या इस ऋतु को महसूस करते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए जब बसंत ऋतु आता है तो हमें बहुत खुशी मिलता है। अब बच्चों मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा क्यों कहते हैं। इसलिए क्योंकि यह सभी ऋतुओं से ऐसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसे अच्छा कहने पे मजबूर करती है। ना सिर्फ हम देख करके या बोल करके कह सकते हैं, बल्कि हम महसूस भी करते हैं कि यह मौसम बहुत ही अच्छा है और खुशनुमा है, इसलिए हम वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। तन का मतलब मन या शरीर, तन का मतलब तन, तन का मतलब शरीर। उसके बाद हमारे पास है ऋतु। बच्चों जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे पास पहला है ऋतु, हम इस पाठ में पढ़ रहे थे ऋतु। ऋतु का मतलब है मौसम, मौसम। और चलो तो बच्चों यह है कुछ शब्द हैं जो होते इस पाठ में पढ़े। तो पहले एक बार हम कविता को फिर से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन शब्दों को समझते हैं। पाठ 14, कविता वसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते है गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है, इसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो बच्चों इसमें हमने देखा किस तरह से वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि इस मौसम में सिर्फ हमारा मन ही नहीं खुश होता है, क्योंकि मन कब खुश होता है? जब हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है, जैसे कि हमें फूल दिखाई दिया, खुशबूदार फूल दिखाई दिए, चारों तरफ हमें तितली भंवरे और मधुमक्खियाँ दिखाई दी, और सब कुछ देख के बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अलावा बच्चों तो यह तो हुआ हमारा मन का खुश होना, लेकिन तन कब खुश होगा? जब हमें ठंडी ठंडी हवा लगेगी, हमारे शरीर को आराम मिलेगा, और जो हवा हमें लग रही है वो ना गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम जब उसको महसूस करें तो हमें बहुत अच्छा
अच्छा महसूस हो रहा है, तब हमारे तन और मन दोनों को खुशी मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। तो बच्चों हमारे एक ना तो सिर्फ ये आँखों को सुकून देता है बल्कि तन मन को भी सुकून देता है, इसलिए हम कहते हैं वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है और सारे ऋतुओं में सबसे अच्छा ऋतु है। तो बच्चों इस पाठ में हमने कुछ कठिन शब्द देखे, चलिए आइए उनको देख लेते हैं। पाठ का नाम है वसंत ऋतु और पहला शब्द है ऋतु यानी मौसम। ऋतु का मतलब होता है मौसम, जैसे कि अभी हमने कहा हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं। बच्चों हमारे देश में 6 ऋतुएं होते हैं और इनमें से एक है वसंत ऋतु, और हमें हम 6 ऋतुओं के में से वसंत ऋतु को राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे अच्छा ऋतु या मौसम होता है और इसीलिए इसको हम ऋतु राज भी कहते हैं, इसलिए हम इसको ऋतु राज यानी ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। फिर इसके बाद क्यों ऋतुओं का राजा कहते हैं बच्चों? क्योंकि इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और उसके अलावा इस मौसम में जो हमारे चारों तरफ का माहौल भी बहुत खुशनुमा होता है, क्योंकि इसमें बहुत चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं, उन फूलों की वजह से हवा में महक होती है, तो बहुत ही खुशनुमा और आनंददायक माहौल होता है, इसलिए भी हम इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द हमने जो पाठ में पढ़ा हुआ है भौंरे, भौंरे को हम भंवरे कहते हैं, भौंवरे। तो यहाँ पे एक लय लाने के लिए कविता में हमने उसको भौंरे बनाया, लेकिन वैसे हम इसको भंवरे कहते हैं। और तीसरा है डाल डाल, एक डाल से दूसरे डाल पर कौन मंडराता है? जो यहाँ पे कोयल है खुशी के मारे एक डाल से, क्यों? क्योंकि जब आम के पेड़ों पर भौंरे आते हैं बच्चों तो कोयल खुशी के मारे गीत गाती है, ठीक है? तो या इस ये मौसम है जब पेड़ों पर बौर आते हैं, बौर मतलब फूल, और उस फूल में से छोटे छोटे फल निकलते हैं। तो हम आम का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह आम का मौसम होता है और आम के बौर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो कोयल वो खुशी के मारे डाल डाली, जिसे हम डाली कहते हैं, किसकी डाली? पेड़ की डाली, एक डाली से दूसरी डाली पर वे घूमती है और खुश होती है। फिर उसके बाद पार पार, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, ना सिर्फ डाली डाली बल्कि हर एक पत्ते पर भी वह घूमती है खुशी के मारे। क्यों घूमती है? आती जाती है, बढ़ती है, क्योंकि वह बहुत खुश होती है। उसके बाद हमारे पास है मस्ताना, हमारी जान मस्तानी कब होती है बच्चों? हमारी जान मस्तानी तब होती है जब हम बहुत मस्त होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर जो मस्तानी जान किसकी हो गई है हमारे कविता में, मस्तानी जान किसकी है? यहाँ पे मस्तानी हवा की जान है, क्यों? क्योंकि हवा भी मदमस्त हो जाता है, क्योंकि हवा में ठंड होती है, मतलब सुहावना मौसम होता है, ना बहुत गर्म ना ठंडा होता है, तो ऐसी हवा होती है जिसमें खुशबू होती है, इस समय हवा में खुशबू होती है, क्योंकि चारों तरफ फूल होते हैं, उन फूलों की खुशबू इस हवा में भी होती है, इसलिए हवा में भी एक मस्तानी जान आ जाती है, और इसका उसे घमंड होता है, इस बात का उसे घमंड हो जाता है और वो इतराती इठलाती है, ठीक है? तो यहाँ पे मस्ताना मतलब मस्ती होता है, मौज से भरा, मस्ताना मौज से भरा या मस्ती। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद 6 में है महक, खुशबू। जैसा कि मैंने बोला फूलों की वजह से हवा में भी खुशबू हो जाती है, हम उसे महक कहते हैं। शब्द है बच्चों इठलाती, मतलब नखरे दिखाती, क्यों? क्योंकि हवा में खुशबू हो जाती है तो हवा में भी एक घमंड हो जाता है, या उसको भी अपने ऊपर गर्व रहता है कि मैं बहुत खुशबूदार हो गई हूँ, इस बात का उसके अंदर एक घमंड हो जाता है। जब आदमी में घमंड हो जाता है चीज़ों में तो वो नखरे दिखाता है। तो यहाँ पे इठला रही है हवा, क्यों इठला रही है? क्योंकि उसको भी अपने ऊपर घमंड हो गया कि वो खुशबूदार हो गई है, इसकी वजह से वह नखरे दिखा रही है। इठलाती मतलब नखरे दिखाना, तो वह नखरे दिखा रही है। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है तन, तन मतलब शरीर, ये हमारा जो शरीर है तन, इसे हम तन कहते हैं। तो बच्चों शरीर को भी जब ठंडी ठंडी हवा लगती है, उसे खुशबू हवा में महसूस होती है, तो वह भी बहुत खुश होता है। उसके बाद यही हमारे शब्द जो
पाठ में पढ़े हैं बच्चों। इसके साथ बच्चों हमने एक कविता पढ़ ली, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, आज आप इस कविता को याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे, और बच्चों इस पाठ के शब्द अर्थ को भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।